पीछे एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, पलवल से है जहां पर किसानों को समर्थन देने पहुंचे हैं ओपी चौटाला। तो ओम प्रकाश चौटाला एक बार फिर से अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पोते करण अर्जुन भी ओपी चौटाला के साथ नजर आएंगे। किसानों की मांग को ओपी चौटाला ने जायज ठहराया है। जेल से रिहाई के बाद ही फिर राजनीति में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं अब ओपी चौटाला। एक बार फिर से एक्शन मोड में देखा जाता है और इनेलो नेता को, जो कि इनेलो लगभग कुछ समय से बिल्कुल ही शांति के साथ नजर आ रही थी, लेकिन अब जब से वापसी हुई है ओपी चौटाला की, तब से ओपी चौटाला फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि जो मांगे रखी गई है किसानों की तरफ से वो बिल्कुल जायज है और वो समर्थन देंगे अपना किसानों को। तो ऐसे में ये भी खबरें सामने आई कि ओपी चौटाला जगह जगह जाकर किसानों से मुलाकात भी करेंगे और उनके आंदोलन को समर्थन देंगे। तो राजनीतिक जगत में एक बार फिर से हलचल तेज करने के लिए वो सक्रिय हो चुके हैं। और ऐसे में इनेलो की तरफ से बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि जो मांगे रखी जा रही है तमाम किसानों की तरफ से, वो मांगे बिल्कुल जायज है, बिल्कुल उचित है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुनवाई की जानी चाहिए और सरकार को तुरंत ही इस पर फैसला लेना चाहिए। तो जेल से रिहाई के बाद से राजनीतिक गलियारों में फिर से हलचल तेज हो गई है क्योंकि ओपी चौटाला सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और पलवल से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि किसानों को समर्थन देने पहुंचे और पोता करण और साथी अर्जुन भी उनके साथ नजर आए। तो किसानों की मांग को ओपी चौटाला ने जायज बताया है। जेल से रिहाई के बाद फिर राजनीति में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं ओपी चौटाला। तो लंबे समय से ओपी चौटाला जेल में थे, लेकिन जब से जेल से बाहर वो आए हैं, यानी कि उनकी रिहाई हुई है, उसके बाद से ही अब लगातार वो राजनीतिक क्षेत्र में एक बार फिर से अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी फिराक में अब वो किसान आंदोलन से जुड़ने की कवायद भी तेज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि किसान अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और जो उनकी तरफ से मांगे की जा रही हैं, सरकार को उनकी मांगों को सुनना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनकी मांगे बिल्कुल जायज़ है। और इसी वजह से इनेलो पार्टी जो है अब वो अपना पूरा समर्थन तमाम किसानों को देगी। तो अब इसके बाद से देखना यह होगा कि क्या किसानों का समर्थन पूरी तरीके से इनेलो नेता यानी कि ओपी चौटाला को मिल पाता है और इससे सियासत पे क्या भूचाल आएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल में ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहाई के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में बिल्कुल सक्रिय हो चुके हैं। वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और एक एक करके वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जैसे कि किसान आंदोलन का मुद्दा, जो कि लंबे समय से गर्माया हुआ है, 9 महीने बीत चुके हैं किसानों को आंदोलन पर बैठे हुए धरना दे रहे हैं, किसान मांगों पर अड़े हुए हैं। और अब इस बीच में इनेलो नेता यानी कि ओपी चौटाला की एंट्री हो चुकी है और उन्होंने ये कहा है कि किसानों की जो मांग है बिल्कुल जायज है और इस पर सुनवाई होनी चाहिए। तो जेल से रिहाई के बाद से ही राजनीति में फिर से सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं।